कि अगर हम मिलके साथ चलें, जितने भी लोग मिलके साथ चलें वो अच्छा है। और हम में से हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए, और जो भी समाज के प्रति समर्पित और ईमानदार लोग हैं वो प्रयास करते भी। दिल्ली वाकई में बहुत बड़ी नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर लें तो एक मंडल, सिर्फ मैं एक मंडल की अगर बात करूं, मेरठ मंडल की बात करूं, तो जितना क्षेत्रफल उसका है दिल्ली का, इतना भी क्षेत्रफल नहीं। इतनी आबादी जरूर होगी लेकिन इतना क्षेत्रफल नहीं है। ऐसी जगह पर अगर काम करें तो जो हमारे आदरणीय आरपी सिंह साहब ने कहा कि दिल्ली पे अगर आपने कब्जा कर लिया तो देश में बहुत दूर तक आवाज जाएगी। उदाहरण आपने देखा भी है केजरीवाल जी की पार्टी का, ये बहुत अच्छा विचार भी है और प्रयास भी है। मैं इस प्रयास की और विचार की दोनों की सराहना करता हूं, लेकिन आपके सामने कुछ चीजें जरूर रखना चाहूंगा साथियों। 2017 में जुलाई और अगस्त में हमने भी एक ऐसा प्रयास शुरू किया था। अंबेडकर भवन में 2 दिन तक हमने सम्मेलन बुलाया, उसमें तकरीबन 30 पार्टियों और संगठनों के लोग शामिल भी हुए, तकरीबन 150 लोग उसमें शामिल हुए। लगातार बहुत डिटेल में चर्चा हुई। उसके बाद फिर नतीजा हुआ कि मैं एक जो खास खास संगठन के साथी हैं, कुछ और भी साथी आ सकते हैं, एक प्रयास और किया जाए, उनको बुलाया जाए। तो हमने फिर 30,000 कोर्ट में एक हॉल है हमारा, उसमें हमने बुलाई, उसमें भी साथी आए, जिसका नतीजा ये निकला कि नवंबर दिसंबर में हम सब लोगों ने मिलके महाराष्ट्र में नागपुर में एक अलायंस की घोषणा की, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक, राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संगठन दोनों ही थे। तकरीबन 20 संगठन, जिसमें 10 पार्टियां और 10 सामाजिक संगठन मिलके एक घोषणा हुई, नेशनल बहुजन अलायंस, यानी राष्ट्रीय बहुजन गठबंधन एक बना। मैं उसका को कन्वीनर हूं। आदरणीय एडवोकेट सुरेश माने साहब जो महाराष्ट्र से हैं वो उसके कन्वीनर हैं। सब लोगों ने प्रयास किया। एक आदरणीय सुलेमान साहब हैं जो इंडियन नेशनल लीग, एक पार्टी है जो केरल में इस समय सत्ता में भी शामिल है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे इसके को कन्वीनर हैं। आदरणीय श्री पृथ्वीराज जी जो डीजीपी रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, और अभी अभी उन्होंने एक पार्टी भी बनाई है, वो भी हमारे उस अलायंस के को कन्वीनर हैं। तो इस तरह से हमने प्रयास किया। हाँ, एक बात जरूर है कि इसमें कर्नाटक से एक साथी जयप्रकाश, जो बिजनेसमैन भी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, वो कुछ समय पहले बीएसपी में शामिल हुए। ये खैर चलता रहता है, इसकी कोई ऐसी बात नहीं। प्रयास बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो हम अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी अलायंस है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसी अलायंस में शामिल हो जाए, या हमें अलग से अलायंस बनाना है? बना सकते हैं, कोई रोकता नहीं है, लेकिन फिर एक ये बात आएगी कि जब ऑलरेडी अलायंस है उसमें शामिल होने में किसी को क्या दिक्कत है, हमारा कौन सा अहम या ईगो हमारे रास्ते में आ रही है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हम उसका भी हिस्सा हो सकते हैं और हम चाहें तो अपना अलग से भी अलायंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी की बात है, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, क्योंकि हम उसका अलायंस का हिस्सा है, मैं को कन्वीनर हूं, तो अलग किसी अलायंस में शामिल होना हमारे लिए असंभव सी बात। यह तो बिल्कुल सही बात है कि आप अलायंस हो और हम भी अलायंस हो, अलायंस मिलकर इकट्ठे होकर काम करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी जितना भी बड़ा अच्छा मजबूत संगठन बन जाए, चाहे वो पार्टियों के या संगठनों के जुड़ने से हो या अलायंस के जुड़ने से हो, वो अच्छा है, वही हमारी ताकत भी है। और इसे हमें इससे भी सीख लेना चाहिए कि देश में तकरीबन 50-60 साल शासन करने वाली कांग्रेस भी अलायंस पर ही चल रही है। जो आज देश में सत्ता चला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी तकरीबन 35-40 पार्टियां, तो वो भी अलायंस पर चल रही है। और अब उसको सत्ता से बाहर करने के लिए
राज्यों में या देश के स्तर पे या दो चार छह राज्यों में जो भी बने वो भी अलायंस ही बन रहे हैं। तो ये तो सही बात है, बल्कि सिद्ध कहने की जरूरत नहीं कि समय मिलके चलने का है, जुड़ के चलने का है। और ईगो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि साथी ईगो रख के हम कितने ही बड़े पहलवान बन जाएं, लेकिन जब अखाड़े में जाएंगे और पटकी खाएंगे, चित हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या हमारी सूरत होगी और क्या समाज का हाल होगा, हम सबको मालूम। तो जो चीज हम जानते हैं आज ही कि ये हो सकता है, ये होगा, आज ही क्यों ना उस चीज को सही करने के लिए, उस हार को जीत में परिवर्तित करने के लिए हम आज ही काम करें। क्या दिक्कत है इसमें? हमें ये काम करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये बात सही है, आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा जो फील्ड रहा वो उत्तर प्रदेश रहा, क्योंकि मैं जिला बुलंदशहर का मूल निवासी हूं, वहीं से मैंने एमए किया और वहीं से मेरे पिताजी ने जज बनने से पहले दिल्ली में 5 इलेक्शन लड़े, लोकसभा और विधानसभा के। रिपब्लिकन पार्टी से मेरे पिताजी जुड़े हुए थे और रिपब्लिकन पार्टी के झंडे तले 1973 में 2 महीने का आंदोलन चला, जिसमें एक मांग यह भी थी कि बाबा साहब का तैलचित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगे। मैं भी खुद उसमें जेल गया था, मैं मेरा छोटा भाई पिताजी, 3 दिन हम भी उसमें जेल में गए थे 1973 की बात। तो हम लोग जुड़ के चले, इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं। और बहुत बेहतर है कि जो जो हमारा फील्ड है, जहां हमारी ताकत है, अगर हम उसी पर केंद्रित होकर हमारे सारे साथी एक एक सीट बांट के लड़े, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और शायद हमारी ताकत देखने का नजारा भी तभी लोगों को मिलेगा। लेकिन मेरा इसमें सुझाव यह है, आपके प्रयास के मैं साथ हूं व्यक्तिगत रूप से, आप इससे निश्चित रहें, मैं आपसे अलग नहीं हूं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहां तक जुड़ने की बात है, नया अलायंस बनेगा तो अलायंस को साथ में लाऊंगा, मैं समझाऊंगा अपने साथियों को कि भाई ये एक अलायंस है, हमें इसके साथ मिलकर चलना है, ये मेरी कोशिश रहेगी। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आज मेरा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी का हिस्सा हूं तो पार्टी के मेरे साथी हैं, अलायंस का हिस्सा हूं तो अलायंस मेरे साथी है, मैं अपने उन साथियों के साथ में धोखा नहीं कर सकता। दूसरी बात साथियों, हमें अलायंस को जो भी बने लोगों को दिखाना होगा, हम हैं, जिंदा हैं हम और ताकतवर हैं हम। जब तक ये लोगों को नहीं दिखेगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि राजनीति में या किसी में एक परसेप्शन होता है, एक धारणा होती है, जब वो धारणा बन जाएगी कि नहीं ये हैं, ये टक्कर दे सकते हैं, ये हिला सकते हैं, तो निश्चित रूप से बदलाव आ जाएगा, लोग आपकी तरफ झुक जाएंगे, आपका साथ देंगे, आपको वोट देंगे। बेशक हम पार्टी हैं, पर अगर ये हम लोगों को नहीं दिखा पाते तो वोट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बनी हुई धारणा है। आज की तारीख में मैं कहूं न कहूं, आप कहें न कहें, माने न माने, लेकिन धारणा ये है कि जो 2019 का इलेक्शन होने वाला है वो दो ही तरह से होगा, जो बीजेपी के साथ है वो बीजेपी को वोट देंगे और बाकी के सारे लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए, उस हराने के लिए वोट देंगे, किसी की सुनने वाले नहीं है किसी की भी। इसलिए दिल्ली में जब बाकी ऐसा कोई अलायंस नहीं है और केवल 3 ही पार्टियां नजर आ रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, तो हम एक चौथा विकल्प दे सकते हैं। तो क्यों ना इस विकल्प को देने के लिए हम 2 काम करें। नंबर 1, 15 मार्च से पहले पहले, क्योंकि मैं ये मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि 15 मार्च के बाद या उसके आसपास चुनावों की तारीखों की घोषणा हो जाएगी, और अगर एक बार आचार संहिता लागू हो गई तो फिर बाकी सारे काम कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो चुनावों की घोषणा होने से पहले हम दिल्ली में सारे साथी संगठन के मिलके, सामाजिक संगठनों, राजनीतिक संगठनों, अलायंसों, सबके सब मिलके ईमानदारी से इतना बड़ा, इतना मजबूत प्रदर्शन करें समाज की समस्या को लेकर, ताकि लोगों में संदेश चला जाए कि यार ये बहुत ताकतवर हो गए और ये ईमानदार लोग, ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। और दूसरा साथियों, जो मैं इसके विषय में आपसे कहना चाहता हूं, एक तो ये कि हम समाज की समस्या को लेकर ही काम करें, और एक बात ये है साथियों कि हमें जो लोग हमारे साथी हैं इधर उधर जो बिखरे हुए हैं, उनको भी हम साथ लें और एक स्पष्ट घोषणा करें। मुझे ध्यान है जब हरियाणा में
मैं दो मिनट में ही बात खत्म करूंगा, अभी ज्यादा नहीं। हरियाणा में जब बीएसपी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, यह तकरीबन 5 साल पहली बात है, तो बीएसपी प्रमुख ने वहां ऐलान यह किया कि ब्राह्मण समाज के व्यक्ति यहां पर मुख्यमंत्री बनेगा, 20% आबादी वाला दलित समाज का क्यों नहीं बनेगा? क्यों ऐलान नहीं करते कि दलित समाज का व्यक्ति आने वाले समय में हरियाणा में मुख्यमंत्री बनेगा? और हम, मेरे पास सारे आंकड़े हैं, ज्ञानी जी ने बिल्कुल सही कहा, सारे आंकड़े हमारे पास में कि कितनी अनुसूचित जाति और कितनी पिछड़ा वर्ग, कितनी मुस्लिम, कितनी जाट वाल्मीकि, कितने खटीक, किस किस की कितनी आबादी है, कितने गुजर है, सारे आंकड़े हमारे पास है। तो बैठ के कैलकुलेट करते ना, सारा गणित बनाते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। तो क्यों ना हम इस बात की घोषणा करें कि आने वाले 2019-20 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, हम वादा करते हैं कि या तो दलित या मुस्लिम इस राजधानी का, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, ताकि एक संदेश जाए लोगों में, क्योंकि मुस्लिमों की आबादी बहुत बड़ी है और केजरीवाल अगर आज बैठे हैं तो हमारे और मुस्लिमों के दम पर बैठे हैं, कोई दूसरा उसका कारण नहीं है। साथी, ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से होनी चाहिए, तभी शायद हम लोग कामयाब हो पाएंगे। साथियों, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, आपके हर ऐसे काम से जिससे समाज ताकतवर हो, समाज का भला हो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज, जो भी लीड करे, हमारी कोई ईगो नहीं है, कोई भी लीड करे, हमारी बहन लीड करेंगे तो हम लीड कर रहे हैं, हमारा कोई भाई लीड करेगा तो हम लीड करें, ईमानदारी से करें और सबको साथ लेके सबकी बात सुन के करें। ये नहीं कि अपने आप जो चाहे जैसे चाहे फैसले ले ले और फिर संपर्क थोपे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो हम साथ नहीं होंगे, किसी भी हालत में नहीं होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।